अपना शहर, अपनी बातें। अपना शहर, अपनी बातें। सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका। मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चक पटा पटाका, पटा पटाका, पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर। News, views and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें। सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। नमस्ते। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में मां भावना रजपाल तव्हां सभिनी दर्शकनि जो हार्दिक स्वागत कयां थी। पेश आहे कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। सभिनी नगरवासियुनि खे गुरु नानक जयंतीअ जूं बेशुमार वाधायूं। थायरासिंह दरबार मां हर साल वांगुरु हिन साल बि गुरु नानक जयंतीअ जे मौके ते प्रभात फेरी कढी वई, जेका एशिया जी वॾे में वॾी फेरी करे मञी वेंदी आहे। हिन फेरीअ में सुबुह जो हेलीकॉप्टर मां मथां संगत जे मथां गुल वरसाया विया। हिन फेरीअ में नगर जी म्यूज़िक हस्तियुनि सां गॾु बॉबी दयोल ऐं ॿियूं बि केतिरियूं फिल्मी हस्तियूं मौजूदु हुयूं। खुशी बेशुमार नचो गायो अची कयो धमाल। आहे गुरुअ जे बर्थडे जी खुशी बेशुमार नचो गायो अची कयो धमाल। जपो एक ओमकार, जपो एक ओमकार, जपो जपो सतनाम, नचो गायो सब कयो धमाल। गुरुअ जे बर्थडे जी खुशी बेशुमार नचो गायो अची कयो धमाल। नचो गायो अची कयो धमाल। गुरुअ जे बर्थडे जी खुशी बेशुमार नचो गायो अची कयो धमाल।
बोल गुरु नानक देव की जय। आज हमारे भाई धारा सिंह साहब के दरबार की तरफ से जो आज गुरु नानक जयंती का उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में जो आज प्रभात फेरी उल्लासनगर में निकाली गई, यह आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। गुरु नानक देव जी के कृपा से, जो गुरु नानक देव जी की हमारे शहर पे भी कृपा है और हमेशा रहेगी, उनकी ऐसी कृपा हो गई, ऐसी रैली, ऐसी प्रभात फेरी मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। मैं गुरु बाबा के लिए खाली दो शब्द यही बोलूँगा कि हमारे शहर पे जैसा उन्होंने आशीर्वाद रखी है और रखेंगे, और यह जो कार्यक्रम हमारे भाई जस्सू सिंह जी और भाई साहब हमारे डिल्लू सिंह जी, जो यह कार्य हमारे शहर के भले के लिए, शहर के अच्छे कार्यक्रमों के लिए कर रहे हैं, उसमें हम अपना कर्म बनाए और यह प्रभात फेरी में हमेशा हर साल आके हमारा विवाह माथा टेके। बोल गुरु नानक देव की जय। बोल गुरु नानक देव की जय। सारे शहर वासियों को गुरु नानक जन्मदेव महाराज जी के जन्मदिन जन्म उत्सव की लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब बधाइयां।
बोल गुरु नानक देव की जय। धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारा सिंह साहब जी की तरफ से सबसे पहले उल्लासनगर की सात संगत और जो जो शहर से कोई कौन से शहर से कोई कौन से शहर से आके इस प्रभात फेरी को नायाब बनाने में एक नया इतिहास बनाने में पहुंचे हैं, सबसे पहले वो संगत का हार्दिक दिल से शुक्राना। उसके बाद पुलिस विभाग का जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग इस प्रभात फेरी को किया, इतने बड़े पैमाने पे प्रभात फेरी निकाली गई, सुख से प्रभात फेरी का संपूर्ण हुआ। उसके अलावा हमारी अधियमा गुरु पूरी टीम जितनी भी है, जितने भी सेवा की है, किसका नाम लेके उसकी सेवा चली जाएगी, जिन्होंने भी सेवा की है, इतनी दिल से सेवा की है, इतनी दिल से सेवा की है, गुरु नानक उनकी झोली पक्का भरेंगे। एक नया इतिहास रचाने में उन पूरी सबका सहयोग है। और सबसे बड़ी बात, आज 4 नवंबर गुरु नानक जयंती जो विश्व की सबसे बड़ी प्रभात फेरी में निकाली गई, इसके अलावा 2019 जो 550 साल गुरु नानक देव जी का जन्मदिन 12 नवंबर को आ रहा है, सारी सात संगत को विनती है उस उपलक्ष्य में सारी सात संगत अपने जरूर अपने अपने सुझाव बताए। जो सबसे बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे होने जा रहा है 2019 में 550 साल गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के होंगे, शायद 600 साल हम में से कोई होगा भाग्यशाली जो देखेगा, तो मैं सारी सात संगत से विनती करूँगा कि इस प्रोग्राम में जरूर अपने सुझाव दें और गुरु बाबा की खुशियाँ प्राप्त करें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हरि कीर्तन दरबार मां गुरु नानक साहब जिन के जन्म दिन के मौके ते प्रभात फेरी कढ़ी वही, जैमें भी संगत खुशी में झूमी ए गाए रही हुई। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अमृत वेला ट्रस्ट पारां भी गुरु नानक जयंती के मौके ते प्रभात फेरी जो आयोजन कयो वियो। उच्चा दर बाबे नानक दा
दावत उधरे सुनते उधरे दावत उधरे सुनते उधरे दिल से पाप घनेरे उच्चा दर बाबे नानक दा सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी बोलो सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी पशु परे तुम गज को तारे पशु परे तुम गज को तारे ओ पाहन पारी उतारे उच्चा दर बाबे नानक दा उच्चा दर बाबे नानक दा उच्चा दर बाबे नानक दा ओ मैं सोबा सुन के आया उच्चा दर बाबे नानक दा उच्चा दर बाबे नानक दा उच्चा दर बाबे नानक दा तेरी सरनाई नानक दास तेरी सरनाई ओ सदा सदा बलिहारे उच्चा दर बाबे नानक दा कोणार्क अपना शहर अपनी बात। गुरु नानक जयंती के मौके ते नगर में अलग अलग जगह ता प्रभात फेरियो निकतियों एतरी संगत के कंट्रोल करण एहो एक शांतिपूर्वक सजो हलण में सुठो हथ रहो पुलिस जो भी जोगो बंदोबस्त कयो वयो हो जै एतरी साथ संगत के तमाम सुठे नमूने सा कंट्रोल कयो ए सब प्रभात फेरियो शांतिपूर्वक निकतियों। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। नगर में हाउस टैक्स भरण लाए अभय योजना शुरू कई वही है ऐं जिनजी काफ़ी वक्त खां टैक्स न भरियल आहे ऐं उन्हनि जी टैक्स जी रक़म जजी थी वई आहे त उन्हनि जा घर सील पिया कया वञनि। अहिड़े में सुनीता गुरु नाले हिकु किन्नर पंहिंजे घर जी टैक्स भरण लाइ पंहिंजे गुरुअ जा ज़ेवर विकिणी करे टैक्स क्लियर कई। अचो त ॿुधूं था इन बारे में पाण किन्नर सुनीता खां। हमने आज साल भर से हमारे घर में नगर पालिका के लोग आके बूट के साथ में चप्पल के साथ में हमारे घर में घुस के सील करने देख रहे थे। हमको गए साल भी मार्च महीने में मैंने 60,000 भरी थी। 60,000 भरी तो घड़ी घड़ी आके मेरे को तंग कर रहे थे नगर पालिका के लोग, तुम भरो ना तो हम सील करेंगे, तुम भरो ना तो हम सील करेंगे। तो मैंने बोली मैं सील नहीं करने दूंगी दादा, मैं भाई और टैक्स भरूंगी। तो जी बाप इस वक्त जो कुछ छूट आया ना तो छूट के तरीके से जो हमारा ये गुरु नानक गुरु का घर है, हमारे गुरु नानक गुरु घर पे मेरा गुरु तो मर गए है, तो मैंने गुरु का सोना हफ्ता मैंने बेच बिचा के मैंने और टैक्स क्लियर कर डाली। कितना टैक्स भरा? अब मैंने पूरा 1,60,000 पहला 60,000 भरी थी, तो फिर अभी मैंने 1,15,500 रुपए मैंने भरी। हाउस टैक्स के बारे में छा है चवण पीआरओ युवराज बदाने जो अचो तबदू था।
एक शाल फाटक एरिया में एक तृतीय पंथी व्यक्ति ने उनकी दो प्रॉपर्टी का नियर अबाउट 2,10,000 उनके ऊपर बकाया था, उनमें से दोनों प्रॉपर्टी मिलके 92,000 रुपीज इंटरेस्ट था उसके ऊपर, पेनल्टी टोटल मतलब पेनल्टी तो 1,25,00,000 तक थी, तो कुल मिला के उन्होंने कल पूरा टैक्स भर दिया और उनके ऊपर उनको 92,000 रुपया जो है सहूलत, जो 75% सहूलत छूट मिली है। तो एक तृतीय पंथी समाज का व्यक्ति आगे आके है सब कर सकता है, जिनकी तरफ उनको उनका कोई सोर्स नहीं होता है इनकम सोर्स, तो हम तो उनसे भी और उच्च स्तर पे है मतलब जो अपना प्रगति और जो फाइनेंशियल स्तर, तो ऐसे लोगों ने आगे आके ये स्कीम का फायदा लेके जल्द से जल्द अपना मालमत्ता जो प्रॉपर्टी का टैक्स कर रहे बताया है उसका भुगतान करे और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसका लाभ उठाइए, ये मेरी अपील है जनता से। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। असां पंहिंजे चैनल जे द्वारा वक़्त बे वक़्त नगर में अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते खॾनि खुॿनि जे बारे में ख़बरूं ॾेखारींदा रहंदा आहियूं। हींअर बि विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन जे साम्हूं पाइपलाइन खोटण लाइ रस्तो खोटियो वियो हो, उहा पाइपलाइन उतां कढी वई पर उहो रस्तो बंदि न कयो वियो आहे, जंहिंजे करे इते केतिरा ई हादसा थियनि। शहर की जनता शहर भर के खराब रास्तों के कारण परेशान है, उसमें और एक्स्ट्रा ये चीज़ हो जाती है कि उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन या फिर किसी भी परिसर में जब वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा कोई विकास कार्य करने की कोशिश की जाती है या फिर कोई भी छोटा मोटा कार्य जब किया जाता है और उसके तहत जब कभी रास्ते को खोदा जाता है, उस रास्ते को फिर से भरना कहीं ना कहीं प्रशासन भूल जाती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो रास्ता वैसे के वैसे कई महीनों तक, कभी कभी तो कई सालों तक खराब रहता है और अल्टीमेटली परेशान फिर से शहर की जनता होती है। वैसे ही कुछ सामने है उल्लासनगर 4 के विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन परिसर में। यहाँ का एक रास्ता मैं आपको बता दूँ, लगभग 4 नंबर ओटी परिसर से लेकर श्रीराम चौक परिसर तक का ये रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इस रास्ते के बीच में ही एक विकास कार्य किया गया था। शायद यहाँ पे पानी की नई पाइपलाइन डाली गई थी कुछ महीनों पहले और जिसके तहत ये रास्ता खोदा गया था, लेकिन खोदने के बाद इसे भरा नहीं गया है, जिसके वजह से यहाँ पे आने जाने वाले जो वाहन चालक हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। वो इस तरह डीप खोदा गया है रास्ता, पूरा अगर वो पट्टा हम देखें तो इस तरह डीप खोदा गया है कि यहाँ पे जो वाहन है, जो वाहन के टायर्स होते हैं वो बहुत ही बैडली बाउंस होके वापस बाहर आते हैं, जिस कारण इस परिसर में कई दुर्घटनाएं भी होती है, खासकर रात के कारण ये खड्डा जो है रास्ते के बीच में वो बिल्कुल नज़र नहीं आता है और इसी वजह से यहाँ पे कई अपघात भी होते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे 2 वे है, यानी कि एक तरफ गाड़ियाँ जाती है और दूसरी तरफ से आती है, और दोनों तरफ ये जो रास्ता है पूरी तरीके से पूरा पट्टा खोदा गया है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता, यहाँ की नागरिक और इसी के साथ साथ यहाँ से आने जाने वाले जो वाहन चालक है काफ़ी परेशान है। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। सपना गार्डन वारी एराजीअ में कोणार्क बैंक जे साम्हूं हिक पाणीअ जी पाइपलाइन टुटल आहे, जंहिंजे करे हज़ारनि लीटरनि में पाणी ज़ियान थी रहियो आहे। वास्तेदार अधिकारियुनि खे इन तरफ़
पे इस पूरे इलाके में पानी की आपूर्ति करने वाली जो मेन पाइपलाइन है वो खराब होने के कारण यहाँ पे कई घंटों से जो है पानी वेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हो ये जो नज़ारा है यहाँ पे, ये जो पाइपलाइन है पिछले कई महीनों से इसी प्रकार खराब है, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन जब कभी इस परिसर में पानी आता है, जब कभी इस परिसर में पानी की आपूर्ति की जाती है और जब पानी का टाइमिंग होता है उस वक्त इसी तरह आपको ये पानी जो है वेस्ट होता हुआ नज़र आएगा। ये लाखों लीटर पानी जो वेस्ट हो रहा है ये पीने लायक पानी है। कई रुपए जो है महानगर पालिका खर्च करती है पानी की पाइपलाइन के लिए, लेकिन इसके अलावा इसके बावजूद जो है शहर में कई ऐसे नज़ारे आपको देखने मिलेंगे जिस कारण शहर में रोज़ाना लाखों लीटर पानी वेस्ट हो रहा है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन द्वारा ये जो मेन मुद्दा है शहर का पानी लीकेज वाला मुद्दा, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है इस मुद्दे को, जबकि शहर की कई ऐसे पाइपलाइन से जो बरसों पुराने हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, उसका रिपेयरिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन जो है इस तरफ नज़रअंदाज करती हुई नज़र आ रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अचो त विझूं था हिकु नज़र नगर में थींदड़ कुझु अपराधिक घटनाउनि ते। महानगर पालिका परिसर में श्री कृष्ण मानकर नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। संबंधित व्यक्ति के साथ कमलेश निकम और उनके कुछ साथीदारियों द्वारा मारपीट की गई है। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 323, 324 और 143 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 स्टेशन रोड परिसर में रॉबिन्सन डेविड नामक व्यक्ति को प्रॉपर्टी के चलते बार बार जान से मारने की धमकी देने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है संबंधित व्यक्ति को कॉरोलाइन डेविड द्वारा ये धमकियां दी जा रही है। ये पूरा मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 506 और 388 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 30 सेक्शन परिसर में सुनील धर्मपाल नामक व्यक्ति के साथ मोबाइल स्नैचिंग की घटना सामने आई है। संबंधित व्यक्ति जब रास्ते से जा रहे थे उसी दौरान किसी अज्ञात बाइक सवार द्वारा उनके हाथ का मोबाइल फ़ोन चुरा लिया गया। ये पूरा मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 392 और 34 के तहत अज्ञात चोर की खोज कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। ही हुई कुछ ताज़ा तरीन जान असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। वरी तव्हां सां मिलंदासीं कुझु नई ऐं ताज़ा तरीन जान सां तव्हांजे पंहिंजे प्यारे चैनल कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में। तेसि ताईं असांखे इजाज़त ॾींदा, धन्यवादु।